प्रदेश की हर न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं और हमारी खबरें आपको कैसी लगी इसका सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। होली एक ऐसा त्योहार है जो कि हर धर्म के लोग पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग शिकवे गिले भूलकर एक दूसरे को गले लगाकर रंग गुलाल लगाते हैं। हर कोई रंगों में रंगा हुआ नजर आता है। होली के साथ साथ अनेक कथाएं जुड़ी हैं। होली मनाने के एक रात पहले होली को जलाया जाता है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु के भक्त थे। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने के लिए रोका। जब वे नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने की कोशिश की। प्रहलाद के पिता अपनी बहन होलिका, जिसको आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, उसकी गोद में प्रहलाद को बिठाकर चिता पे बिठा दिया। परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हुई। तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत है। वहीं आज आरम पब्लिक स्कूल में भी होली का रंगारंग त्योहार मनाया गया। बच्चों ने धूमधाम से प्रिंसिपल ने होली की बधाई देते हुए कहा कि अच्छे रंगों का प्रयोग करें और अच्छे ढंग से होली खेलें, बैर भाव से होली न खेलें। बच्चों को होली की सुनाए, एक दूसरे को गले लगाकर होली का त्योहार मनाएं। बच्चों को इसके जरिए संदेश मिलता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। स्कूल की टीचर व बच्चों ने भी सबको होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे बहुत खुश हैं। उन्होंने धूमधाम से टीचर के साथ होली खेली है। बताओ बेटा, आपने होली का स्कूल में त्योहार मनाया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना है, क्या कहोगे आप आज तक? टीचर भी हमारे साथ खेली, टीचर ने भी हमें रंग लगाया, बच्चों ने भी खेला हमारे साथ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? होली मना रहे हैं आज। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमने बहुत सारी मिठाइयां खाई हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमने सबको रंग भी लगाए। क्या नाम है? जी बताए मैम, आज होली का त्योहार मनाया गया है आरम पब्लिक स्कूल में। हम होली मनाते हैं, मेरे विचार से होली का त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। हर कोई दिन अपने लड़ाई झगड़े भूलकर सबके साथ एक दूसरे को रंग लगाकर गले लगते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सभी अपने भाइयों को अपनी खींची की जो बुरी बातें हैं उनको भूलकर सब गले लगते हैं। और होली का त्योहार हम हर साल ही ऐसे मनाते हैं अपने बच्चों के साथ। नमस्कार, होली के शुभ अवसर पर सभी बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन। होली का त्यौहार हम हिंदू धर्म में मनाते हैं, जो एक बहुत मुख्य पर्व है। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में इस चीज़ का उपदेश देता है कि आज के दिन सब लोग अपने विवेक सुखे वैर भाव भूल कर एक दूसरे के साथ मिलें, खुशियाँ मनाएं, मिठाइयाँ खाएं, गले मिलें और सबको सौहार्द का संदेश एक दूसरे को दें। और इस त्यौहार को हम स्कूल में इसलिए मनाते हैं कि जब हम घर पे जो चीज़ें करते हैं वही चीज़ें जब हम स्कूल में बच्चों को सिखा करवाते हैं तो उन्हें हम उस तरह से त्यौहार को मनाना सिखाते हैं जिस तरह से एक्चुअल में त्यौहार को होना चाहिए। वैसे तो इस दिन लोग रंगों के नाम पर, पानी के नाम पर और खेलने के तरीके के नाम पर बहुत कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, पर ये उल्टा सीधा समाज में ख़त्म हो जाए और एक अच्छे तरीके से होली के पर्व को मनाया जाए। इस चीज़ को हम तभी पैदा कर सकते हैं जब हम बच्चों को विद्यालय के प्रांगण में होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है ये संदेश, ये कहानी उनको सुनाएं और उनको समझाएं कि इसका पर्पस क्या है और इसे कैसे खेला जा सकता है, जिससे कि हम अंत में उमंग के साथ इसे अंत करें, ना कि मन में वैर भाव और दुर्भावना लेकर। और यही संदेश और यही शिक्षा इन बच्चों को देते हुए आज हमने ये त्यौहार प्रांगण में मनाया। आज बच्चों के लिए हर्बल रंगों का हमने प्रावधान रखा ताकि बच्चों को पता चले कि ये रंग वो हैं जो किसी को तंग नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारा स्कूल का अपना रेनी डे का शावर, जिसमें बच्चों ने खूब हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को रंग लगाया, नहाए खेले एक दूसरे के साथ।
मिठाइयों का चलन होता है आज के दिन, तो बच्चों के लिए मिठाइयाँ और स्नैक्स का भी प्रावधान रखा गया। उसी के साथ सब बच्चों ने सब बहुत मौज मस्ती से रंग लगाए, पानी में खेला, मिठाइयाँ खाई, स्नैक्स खाए और अब भी बच्चे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ त्यौहार को मना रहे हैं। यही संदेश वो घर लेके जाएंगे, सबको बताएंगे कि हमें रंग तभी लगाने चाहिए जब दूसरा हमें अलाउ कर रहा है, पानी में हमें तभी खेलना चाहिए जब हमारा मन करता है, किसी के साथ जो जबरदस्ती हम ना करें। इसी के साथ वंस अगेन मैं सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को, झज्जर वासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। धन्यवाद। झज्जर से विजेंद्र के साथ गौरव की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।